Bismillahirrahmanirrahim. The topic which we are going to discuss today is diode clampers. Clampers कुछ ऐसे circuit होते हैं जो alternating voltage में direct current के level को add कर देते हैं. इनकी जरूरत हमें कहाँ पेश आती है? इनको आमतौर पर हम DC restorers भी कहते हैं. तो जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन में जब आपके पास सिग्नल एंटीना से आता है और उसके बाद पिक्चर ट्यूब पे पिक्चर डेवलप होनी होती है, तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वोल्टेज के लेवल्स होते हैं. तो बाद का क्या होता है, ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन या ड्यूरिंग द सिग्नल रिसीविंग और उसके बाद जो फर्दर एम्प्लीकेशन प्रोसेस है, उसके दौरान कुछ ना कुछ सिग्नल जो डीसी सिग्नल है ना, वो वेस्ट हो जाता है. तो फिर उसको रिस्टोर करने के लिए क्लैंपर्स को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा रेडार्स में इसको इस्तेमाल करते हैं. एनालॉग कुछ आपके पास डिवाइसेस हैं, एनालॉग वोल्टेज डिवाइसेस, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है. सोनार में इसको इस्तेमाल किया जाता है. तो डायोड क्लैंपर्स आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं हर उस जगह पर जहाँ पर जो डीसी लेवल है ना, वो किसी न किसी वजह से लॉस हो चुका होता है, और उस लॉस को कवर करने के लिए क्लैंपर सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उस डीसी करंट, डायरेक्ट करंट का जो वोल्टेज है, उसको रिस्टोर किया जा सके. अब ये जो क्लैंपर्स हैं, ये दो तरह के होते हैं. आपके पास पॉजिटिव क्लैंपर्स भी होते हैं, नेगेटिव क्लैंपर्स भी होते हैं. दोनों का काम क्या है? सिंपली जो पॉजिटिव क्लैंपर है वो क्या करेगा, लेवल को, जो सिग्नल है उसको खींच के पॉजिटिव साइड पर ले जाएगा, नेगेटिव पोर्शन को भी. और जो नेगेटिव क्लैंपर है वो क्या करेगा कि सारे के सारे सिग्नल को खींच के नेगेटिव साइड पर ले जाएगा. ये कैसे वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर लेकर जाता है वो हम देखते हैं. अगर ये देखिए ना, ये आपके पास एक वोल्टेज नजर आ रहा है, आपको सिग्नल नजर आ रहा है, ये आपका मीन लेवल है जीरो. तो वो क्लैंपर जो सारे के सारे वोल्टेज, ये आपके पास एक ओरिजिनल सिग्नल है जिसमें ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है. तो वो आपके पास क्लैंपर जो सारे के सारे नेगेटिव को भी पॉजिटिव साइड पर ले जाएगा, यानी सारा ही सारा पॉजिटिव कर्व वाली साइड पर सिग्नल चला गया, तो उसको पॉजिटिव क्लैंपर कहेंगे. और वो आपके पास क्लैंपर जो सारे के सारे सिग्नल को उठा के नेगेटिव साइड पर ले जाएगा, उसको आप नेगेटिव क्लैंपर कहेंगे. अब क्लैंपर सर्किट में क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं, पहले हम ये देखते हैं रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या है. एक हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स होना चाहिए, एक हमारे पास कैपेसिटर होना चाहिए, एक हमारे पास डायोड होना चाहिए, और एक हमारे पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लोड रेजिस्टेंस. ये चार क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं. इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आप जोड़ेंगे, कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, तो आपके पास सर्किट बन जाएगा. तो यहाँ पर इसको जोड़ना कैसे, अब हम उसकी तरफ आते हैं. आप एक सोर्स वोल्टेज के साथ कैपेसिटर को अटैच करेंगे, साथ में आपने एक डायोड लगा दिया, और अब डायोड और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको आपने पैरेलल लगाना, ये ग्राउंड है, यानी कोई रेफरेंस वोल्टेज आपने दिया. अब आपने इसको इस तरीके से अटैच किया है कि अगर जब नेगेटिव सिग्नल यहाँ से आएगा तो ये डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. कैसे फॉरवर्ड बायस होगा कि ये नेगेटिव सिग्नल जब नेगेटिव जीरो से स्टार्ट हो के नेगेटिव साइड की पीक, लेट्स से कोई माइनस फाइव वोल्टेज है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कोई वोल्टेज है ना वो माइनस फाइव है. तो माइनस फाइव तक जब ये जा रहा है, तो इस सारे वोल्टेज के दौरान में यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर की ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पर ये आपके पास माइनस फाइव वोल्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा यहाँ पर. अब यहाँ पर माइनस सिग्नल आ गया और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, ये पॉजिटिव कैपेसिटर इसकी बन जाएगी डायोड की. तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये माइनस फाइव है ना, तो ये जीरो से कम है, ये देखें ये रेफरेंस लेवल है, तो रेफरेंस लेवल आपके पास ज्यादा बड़ा है और ये कम है. तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा, ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, यानी अगर ये यहाँ पॉजिटिव होता है ना, तो फिर ये आपके पास नेगेटिवली बाइस होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये जीरो है, जीरो पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू माइनस फाइव. तो ये आपके पास पॉजिटिव जो डायोड का टर्मिनल है वो पॉजिटिव से अटैच हो गया, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव से अटैच हो गया, तो ये आपके पास डायोड हो गया फॉरवर्ड बाइस. जैसे ही ये माइनस फाइव से, क्योंकि अब ये जो आपके पास कैपेसिटर है ये फाइव वोल्ट तक हो चुका होगा, अब ये कंडीशन फॉरवर्ड बायसिंग की तब तक रहेगी जब तक ये कंडीशन आएगी आपके पास. उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये माइनस फाइव से कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो आपके पास डायोड है ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा. जब रिवर्स बायस में जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये ओपन हो गया. अब ये जो सर्किट आपके पास चार्ज हुआ था इसमें से करंट के फ्लो करने की वजह से, तो अब हो क्या रहा है कि ये होगा डिस्चार्ज, यानी 0.7 वोल्ट वो वोल्टेज था जो इस डायोड का था, उस डायोड में से माइनस करके इनपुट वोल्टेज में से, तो बाकी जितना भी वोल्टेज है, अब चाहे आपके पास ये जितना सिग्नल ये वाला
या ये पूरा जो बचा हुआ है ना, ये जब इसमें से गुजरेगा ना, तो अब ये इस पोर्शन में कंडक्ट नहीं करेगा। अब आपके पास सिर्फ आपको मिलेगी आउटपुट। आउटपुट में आप, क्योंकि ये ओपन हो गया है, इस साइड पर करंट जा नहीं सकता। जब जहां पर ओपन हो जाता है उस साइड पर करंट नहीं ना जा सकता। करंट यहाँ से जो आ रहा था वो इधर जा सकता था और नीचे जा सकता था, लेकिन अब ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो ये वाला तो करंट का रास्ता जो है ना वो अब नहीं आ सकता। यहाँ हम लगाएंगे क्रॉस, इस तरफ के आपके पास करंट नहीं जा सकता। करंट जो जाएगा आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब इधर से गुजरेगा करंट तो वो वही करंट जो यहाँ से आ रहा था वो सिंपली आपको आउटपुट पर मिलता जाएगा, और ऐसे आपको नेगेटिव साइड पर भी सारा का सारा सिग्नल पॉजिटिव साइड पर ही मिलता जाएगा। और ये आपके पास फिर क्लैंपिंग हो जाएगी, जिसको आपने कहा पॉजिटिव क्लैंपिंग। अब ये जो क्लैंपिंग का लेवल है, ये आपका जनाब डिपेंड करता है कि आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या है, यानी आरसी कांस्टेंट, जिसको आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं, वो क्या है। अब अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा है इस सिग्नल इनपुट सिग्नल के पीरियड से, तो ये आपके पास एक्सलेंट क्लैंपिंग होगी। यानी आपके पास इतना टाइम इसको डिस्चार्ज होने में लगेगा तो आपके पास जितना भी सिग्नल है वो सारा का सारा आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आपके पास 10 टाइम भी ज्यादा है तो उस सूरत में भी क्या होगा, आपके पास जो क्लैंपिंग एक्शन है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको। यानी ये जो सिग्नल आपको मिलना था एज इट इज, वो एज इट इज मिलने की बजाय आपको सारा का सारा पॉजिटिव से अप साइड पर मिल गया। यानी उसका जो लेवल है आउटपुट वोल्टेज का वो इनपुट लेवल से बढ़ गया है और वो ऊपर वाली साइड पर सारा शिफ्ट हो गया। अब इसी तरीके से ये आपके पास जो क्लैंपिंग है, ये नेगेटिव क्लैंपिंग भी पॉजिटिव पॉसिबल है। वो किस तरह के, अब अगर आप इस डायोड की डायरेक्शन को बदल दें तो अब आप देखें कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, और फाइनली आपके पास यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम डेवलप हो जाएगा जब तक पीक वोल्टेज पे आएगा। उसके बाद जितना भी वोल्टेज है उसमें ये आपके पास जब पॉजिटिव शुरू में पॉजिटिव पीक तक आते हुए ये आपके पास जो कैपेसिटर है, ये आप सॉरी इंडक्टर डायोड है, ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा और आपके पास जो करंट फ्लो करेगा वो जनाब फ्लो करेगा इस पीक में। इस पीक में करंट आपके पास फ्लो कर, इस लूप में करंट फ्लो करता रहेगा। जैसे ही पीक वोल्टेज से वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा, तो अब क्योंकि इस कैपेसिटर के चार्ज से ये वोल्टेज कम है, तो अब क्या होगा, ये जो आपके पास डायोड है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, और अगेन ये वाला जो पोर्शन है ये इसको ओपन पोर्शन की तरह नजर आएगा। और जब ये ओपन पोर्शन की तरह नजर आएगा तो आपके पास अब फर्दर करंट फ्लो करेगा इस रीजन में से, और वो सारा का सारा जो है रिवर्स बाइसिंग की वजह से नेगेटिव साइड पर आपके पास वोल्टेज चला जाएगा। तो इन दिस वे आपके पास जो डीसी लेवल है वो डाउनवर्ड या नेगेटिव साइड पर शिफ्ट हो गया है, तो इसको आप नेगेटिव क्लैंपर कहेंगे। तो वो आपके पास डायोड की कंडीशन जिसमें डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है और आपके पास जो सिग्नल है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसको आप पॉजिटिव क्लैंपिंग कहेंगे। वो कंडीशन जिसमें डायोड को आपने डायरेक्शन बदल दी है और अब आपके पास जो सिग्नल है वो डाउनवर्ड साइड पर शिफ्ट हो गया, तो इसको आप नेगेटिव क्लैंपिंग कहेंगे। ये दो प्रोसेस आपके पास होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्लैंपिंग किस तरह होती है। अगर हमने एक प्रैक्टिकल डायोड लिया हुआ है जिसपे 0.7 वोल्ट आपके पास ड्रॉप होना है वोल्टेज, और ये वो सिग्नल है जिसकी हम क्लैंपिंग करना चाह रहे हैं, जिसको नेगेटिव क्लैंपिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये 24 वोल्ट का सिग्नल है, ये जब जाएगा तो ये कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये आपके पास डायोड फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये चार्जिंग होती रहेगी। जैसे ही स्पीक से 24 से ज्यादा होगा इसका वोल्टेज, जो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और अब आपको आउटपुट पर ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस में मिलना है वोल्टेज जो कि है नेगेटिव क्लैंपिंग वाला। और वो कितना होगा, आपको जो डीसी VDC विल बी इक्वल टू माइनस VPN माइनस 0.7, तो 24 माइनस 0.7 आप लेंगे, माइनस 23.3 वोल्ट की आपके पास क्लैंपिंग आ गई है। और जब आप इसकी पीक टू पीक वोल्टेज लेंगे, क्योंकि सारा का सारा सिग्नल ही आउटपुट शिफ्ट हो गया, तो पीक टू पीक 23.3 और 23 और प्लस 24 आएगा, यानी जो कि आपके पास हो जाएगा 47.3। तो ये आपके पास इस तरीके से क्लैंपिंग एक्शन होता है,
और ये क्लैंपिंग आपको कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, ये आपको रिक्वायर्ड है किसी भी टीवी सिग्नल्स में वोल्टेज जो लॉस्ट हो जाता है डीसी वोल्टेज, उसको रिस्टोर करने के लिए, या कहीं पर सोनार में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर आपके पास डीसी वोल्टेज किसी भी रीजन की वजह से ड्रॉप हो गया हुआ है, उसको रिस्टोर करने के लिए फिर हम क्लैंपर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं।